दोस्तों, द विजन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है और एक प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ आज ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और इस क्लास में जो टॉपिक है वो अपनाया स्केल, मापक या स्केल। आज अपन क्या पढ़ेंगे, मापक या स्केल। मापनी या स्केल, मापक या स्केल। अब यहां पहला ही सवाल तो ये देखें कि इसके इतिहास के बारे में अपन देखें तो इतिहास में यह है कि पहली बार मापक पर मानचित्र किसने बनाया था, वो बनाया था अनेक्जिमेंडर ने। किसने बनाया था, अनेक्जिम, मापक के आधार पर। अब मापक होता क्या है, ये एक अति महत्वपूर्ण तथ्य है। तो एक बड़ा क्षेत्र, ये बड़ा एरिया इसे अपन कह सकते हैं धरातल, सरफेस, पृथ्वी की सतह, धरातल सतह सरफेस पृथ्वी की। इस अर्थ सरफेस पे कोई लैंड के भूदृश्य है, उस भूदृश्य में ये चीज आप देख रहे हो, ये नदी गुजर रही है, ये पेड़, ठीक है, ये आवास क्षेत्र, आवास इट मीन्स आवासों के ग्रुप को क्या कहते हैं, अधिवास कहते हैं, सेटलमेंट एरिया आ गया। और ये एक रिवर है जो फ्लो हो रही है इस पूरे धरातल के क्षेत्र का। इस पूरे क्षेत्र का यदि मानचित्र बनाए अपन, पूरे क्षेत्र का मानचित्र बनाए तो वह किस रूप, उस मानचित्र को अपन क्या है, इतना बड़ा तो कागज है नहीं, अब इतना बड़ा कागज नहीं है तो उसको छोटे से कागज पे अपन प्रेजेंट करेंगे लाइक दिस। ये छोटा सा कागज अब इसमें अपन प्रेजेंट कर रहे हैं इसी मानचित्र को। तो देखो किस प्रकार से ये चल रहा है और इसमें ये रिवर, ठीक है, और ये सेटलमेंट क्षेत्र, सेटलमेंट, क्लियर। इसी चित्र को, जो धरातल है उस धरातल के चित्र को अपन ने किस पे डाला है, मैप पे डाला है। तो ये तो हो गया मैप और ये हो गया सरफेस, सतह, धरातल। अब क्या ये दोनों का आकार बराबर है क्या, नहीं है, ठीक है, ये वास्तविक है और ये प्रदर्शित है, ये एक्चुअल है, वास्तविक दूरी है, वास्तविक मानचित्र है और ये प्रदर्शित दूरी है, प्रेजेंटेशन है, प्रदर्शित है, यानी ये मैप है और ये धरातल सतह है। इन दूरी दोनों के मध्य लाइक दिस, यहां देखें इस पेड़ से इस पेड़ के बीच में डिस्टेंस आ गई मान लो 50 मीटर या 500 मीटर और इस 500 मीटर को यहां मैंने इस जगह 5 सेंटीमीटर के माध्यम से प्रेजेंट कर रखा है। कितने सेंटीमीटर के माध्यम से, 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर की जो मैप पर डिस्टेंस है वो धरातल पर कितने मीटर की है, 500 मीटर की। इसी रेशियो को, इसी अनुपात को क्या कहेंगे, मापक कहेंगे, मापक कहेंगे, क्लियर। तो ध्यान दें, मापक की परिभाषा खुद बनाने की कोशिश करना, एफजे मॉकस, इरविन रेज, इनकी परिभाषाओं पे बाद में जाना, पहले खुद बनाने की कोशिश करना कि है क्या ये, क्लियर। तो देखें धरातल पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, ठीक है, और मानचित्र पर उन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी के मध्य के अनुपात को, रेशियो को मापक कहा जाता है, मापक कहा जाता है। अब देखें ध्यान से, धरातल की दूरी व मानचित्र की दूरी के मध्य के अनुपात को मापक कहा जाता है, क्लियर। वास्तविक दूरी तथा प्रदर्शित दूरी के मध्य के अनुपात को मापक कहा जाता है, क्लियर। तो ध्यान दें, परिभाषाएं बनानी सीखो, मतलब है क्या, वस्तु स्थिति क्या है। तो मैंने तीन अलग अलग टाइप के लाइनें बोली है, देखो ध्यान से, कि मान धरातल के किन्हीं दो बिंदु, ये दो बिंदु मान लो, ये मैं पेन चेंज करके नोट कर रहा हूं यहां, ये लो दो बिंदु ए एंड बी, ये दो बिंदु, और मानचित्र पर इन्हीं दो बिंदु, ये ए और ये बी, धरातल पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य और मानचित्र पर उन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी के अनुपात को, यह अनुपात आ गया, अनुपात को मापक कहा जाता है। या अपन ये कहेंगे धरातल की दूरियां तथा मानचित्र की दूरियां
दोनों के मध्य के अनुपात को मापक कहा जाता है, या अपन कहेंगे वास्तविक दूरी और प्रदर्शित दूरी के मध्य के अनुपात को मापक कहा जाता है। तो मापक किसे कहते हैं? अनुपात को मापक कहते हैं। मापक कहा जाता है दूरियों को, दिशा को, धरातल को, अनुपात को। तो किसको कहा जाता है? अनुपात को मापक कहा जाता है, रेशियो को मापक कहा जाता है। क्लियर? एक सिंपली वे में बताया। अब आप खुद देख सकते हो, एक और उदाहरण मैं इसमें बता रहा हूं आपको कि जैसे ये एक्चुअल फोटो, ये अपनी एक्चुअल फोटो, ठीक है, मान लो ये फोटो अपनी एक्चुअल, ठीक है, वास्तविक, ठीक है, इतना ही बड़ा आ रहा है। जैसे यहां से अपर पार्ट में ये 2 फीट की रेंज है, 2 फीट, तो ये ले साहब 2 फीट 2 फीट। अब ध्यान दें, उसको अपन पासपोर्ट साइज की फोटो, ये अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो, इस फोटो में प्रेजेंट कर रहे हैं अपन इस तथ्य को। अब इसमें वही चित्र, अरे भाई ये वही चित्र देखे, ठीक है, ये वास्तविक है अपनी बड़ी फोटो और अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो, ये छोटी फोटो, इन दोनों के मध्य के दूरी के अनुपात को मापक करते हैं। जैसे ये A टू ये B बिंदु है, ये यहां से यहां एक्चुअल में चौड़ाई जो है वो 2 फीट की है, कितनी फीट की है? 2 फीट, और यहां ये कितनी हो गई? 2 इंच। क्लियर? ये 2 फीट, ये 2 फीट, और यहां कितनी होगी? 2 इंच। तो मापक क्या होगा? मापक होगा, देखिए ध्यान से, ये तो हो गया मैप और ये हो गया वास्तविक धरातल, ठीक है। तो मापक क्या होगा? 1 इंच बराबर 1 फीट, 1 इंच बराबर 1 फीट, 1 फुट। क्लियर? या फिर ध्यान दें, 2 इंच बराबर 2 इंच बराबर 2 फीट, 2 फीट, यानी यहां 2 इंच की डिस्टेंस में, दो फीट की जो डिस्टेंस है, उस 2 फीट की डिस्टेंस में जितनी दूरी आ रही है वो प्रदर्शित किस रूप में हो रही है? 2 इंच में। क्लियर? तो 1 इंच में कितनी होगी? 1 फीट। आधा इंच में कितनी होगी? आधा फीट, ठीक है। ये अनुपात आपको साथ समानुपात साथ के साथ में चलते चलना है, इसी में से ध्यान दें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नहीं दो दो सवाल आते हैं, कभी कभी तीन तीन सवाल आते हैं फर्स्ट ग्रेड में, ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड में, यूजीसी नेट में भी इसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, बात ये तो हो गई अपनी एक्चुअल कंडीशन, ये यहां तक का फोटो, और ये हो गई अपनी पासपोर्ट फोटो। अब इन दोनों में ही अपन ही है, अपन किसी छोटे से बच्चे को पासपोर्ट फोटो दिखाते हैं कि ये फोटो किसकी है, तो वो क्या कहता है? ये तो मेरी मम्मी की फोटो, ये तो मेरी मम्मी है। क्या मम्मी वास्तविकता में इतनी सी है क्या? वास्तविकता में तो इतनी बड़ी है। क्लियर? और वो बच्चा तुरंत कहता है ये मेरी मम्मी है। इट मीन ध्यान दें, वो तो हो गया मानचित्र, फोटो तो क्या हो गई? मानचित्र, और मम्मी एक्चुअल में इतनी बड़ी, ठीक है, माँ माई होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दें, धरातल की दूरी व प्रदर्शित दूरी के मध्य के अनुपात को मापक कहा जाता है। एक शॉर्ट में एक अच्छी सी परिभाषा आई है जो आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, क्योंकि कक्षा 11 12 दोनों में आपको स्केल पढ़ाने हैं, प्लस प्रैक्टिकल करवाओगे आप, क्योंकि डेफिनेटली आपका श्योर एंड सर्टन सिलेक्शन होगा फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है। श्योर एंड सर्टन सिलेक्शन होगा, दावे के साथ, ऑल इज वेल, फर्स्ट ग्रेड में आपका श्योर एंड सर्टन सिलेक्शन होगा। उस स्थिति में जो ही आप गवर्नमेंट स्कूल में नियुक्ति मिलेगी, मिलने के बाद में सामने आएगा कक्षा 12 का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रैक्टिकल। उस प्रैक्टिकल में बेसिकली सबसे पहली चीज ही क्या आएगी? वो आएगी स्केल, कि मापक आना चाहिए। जिसको स्केल आती है उसको पूरी मानचित्रकला आ जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी पृथ्वी है, उस इतनी बड़ी पृथ्वी के बराबर कोई कागज है नहीं, और अगर कागज बना भी दें तो उसको पढ़ेंगे कैसे? अतः ध्यान दें, उसके अनुपात में एक छोटा कागज लिया जाता है, छोटा कागज लिया जाता है, लाइक दिस। देखें, अब मैं ये कहूं कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, आप इसको अफ्रीका ही मानोगे, भले आप अफ्रीका नहीं गए,
फिर मैं इसमें कहूं कि यहां मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती है, यहां विक्टोरिया लेक है, इस विक्टोरिया लेक से नील नदी निकलती है, ये नील नदी निकलती है और कांगो नदी दो बार काटती है। क्या मैं आपको कांगो नदी पर ले गया? नहीं लेके गया ना, लेकिन मैंने कांगो नदी की बिल्कुल साइंटिफिक जानकारी दे रहा हूं मैं आपको, साइंस यानी 100% शुद्ध, 100% साइंटिफिक जानकारी दे रहा हूं। इट मीन्स मानचित्र जो ज्ञान का भंडार होते हैं वो 100% शुद्ध होते हैं। इसीलिए रिचर्ड हार्टस्टोन कहता है कि ध्यान, भूगोल की वह विषय वस्तु नहीं है जो मानचित्र में प्रेजेंट नहीं हो सकती। क्लियर? तो मानचित्र भूगोल के उपकरण आधार है और मानचित्रों का निर्धारण मापक के आधार पर किया जाता है। तो कार्टोग्राफी का बेसिक एंड फंडामेंटल है स्केल। तो परिभाषा ध्यान से सुने कि धरातल के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी तथा मानचित्र पर उन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी के अनुपात को मापक कहा जाता है। वास्तविक दूरी व प्रदर्शित दूरी के मध्य के अनुपात को मापक कहा जाता है। धरातल व मानचित्र के मध्य की दूरियों के अनुपात को मापक कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो ये तो होगी किसकी परिभाषा, डेफिनेशन मापक की, कि मापक क्या होता है, मापक क्या होता है। तो मैंने आपको दो उदाहरण के माध्यम से समझाया है। अब देखिए इसकी परिभाषाओं को समझें। तो पहली लाइन में, फर्स्ट लाइन में कलर बढ़िया लेते हैं। मापनी, धरातल पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी के मध्य की दूरी तथा मानचित्र पर उन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, बिंदुओं के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी के अनुपात को, अनुपात को मापक कहा जाता है, मापक कहा जाता है। तो मापक स्केल, मापक बराबर येलो सर, मापक बराबर मानचित्र की दूरी बटा धरातल की दूरी, धरातल की दूरी, ये मापक का फॉर्मूला हो गया, ये मापक का फॉर्मूला हो गया, मानचित्र की दूरी बटा धरातल की दूरी। धरातल पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी तथा मानचित्र पर उन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी के अनुपात को मापक या स्केल कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है मापक इज इक्वल टू मानचित्र की दूरी बटा धरातल की दूरी। क्लियर? तो ये एक सामान्य सा परिभाषा थी जो याद करने लायक है और हमेशा के लिए, कक्षा 11 से प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं तो एमए प्रीवियस फाइनल तक प्रैक्टिकल चलते हैं और प्रैक्टिकल यानी मानचित्र कला का आधार जो होता है वह होता है ध्यान में स्केल। ठीक है, मानचित्र कला, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि कार्टोग्राफी मानचित्र कला एक ऐसा विज्ञान व कला है जिसमें ध्यान ने विज्ञान व कला, ठीक है, विज्ञान व कला जिसमें ध्यान ने, ठीक है, मानचित्र चार्ट मॉडल व ग्राफ का निर्माण किया जाता है। तो मॉडल में भी अनुपात रखा जाता है, चार्टों में भी अनुपात रखा जाता है और ग्राफ में तो रखा ही जाता है। कक्षा 9-10 में आप पढ़ चुके हो एक्स एंड वाई, ठीक है, एक रेशियो रखा जाता है, वो जो हरी हरी लाइनें आती थी वो खुद ही अनुपात है अपने आप में। क्लियर? तो ध्यान दें, वापस मापक धरातल पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी और मानचित्र पर उन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी के अनुपात को मापक कहा जाता है। ये तो हो गई मापक की परिभाषा। अब आता है मापक का महत्व क्या है, कि स्केल का यूटिलाइजेशन क्या है, मापक का महत्व। तो ध्यान दें, मापक के बिना मानचित्र निर्माण
असंभव है, निर्माण नहीं किया जा सकता है। और अगर मानचित्र निर्माण करेंगे तो वो 100% शुद्ध नहीं होगा। ठीक है, अब देखते, देखो ध्यान से, ये एक पेड़ और ये एक पेड़, इस दोनों पेड़ों के बीच में मैंने बताया था 500 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, और मैं इसमें मानचित्र पर प्रेजेंट कर रहा हूं, मानचित्र पर प्रेजेंट कर रहा हूं किस रूप में, कि ये एक पेड़ और ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस और ये मापक, यानी 1 सेंटीमीटर = 100 मीटर। ठीक है, ये 100% शुद्ध होगा। जो भी परिणाम निकलेगा इससे, जब भी आप इसको पढ़ोगे या पटवारी का जो खसरा होता है, गांव के विद्यार्थी अपन ज्यादातर, तो अपन देखते हैं पटवारी का या अपने घर का नक्शा है, मैप है, ठीक है, भूकर मानचित्र जिसे कहते हैं, तो उसमें अपन देखते हैं कि एक एक इंच की जो जमीन है, उस एक एक इंच की जमीन का बिल्कुल शुद्ध रूप से विवरण दिया जाता है, यानी 100% शुद्ध होता है, 100% शुद्ध होता है। क्लियर, तो ध्यान दें। और अब एक मैं ये बढ़ा रहा हूं कि एक ये पेड़ और एक ये पेड़, ठीक है, कि ये दो पेड़ है और ये तो बन गया खाका, और खाका कभी मानचित्र नहीं हो सकता, क्योंकि मानचित्र पूर्णतः शुद्ध जानकारी देता है, 100% जानकारी शुद्ध देता है, उसे ही मानचित्र कहते हैं। मानचित्र वह होता है जो 100% शुद्ध जानकारी देता है, वो मानचित्र होता है। बाकी तो ध्यान दे, खाके होता है ऊपर का एक कवर होता है, ठीक है, जिसमें मोटी मोटी, जैसे मैं भी आपको ये कहूं कि मेरे घर जाना है तो यहां से सीधे चले जाना, सीधे से दाएं मुड़ना, दाएं से बाएं मुड़ना, और बाएं एक पेड़ आएगा, उस पेड़ के पास में मेरा घर है। ठीक है, तो उसमें ध्यान दें, पूर्ण रूप से आप 100% शुद्धता के साथ वहां नहीं पहुंच पाओगे, कहीं ना कहीं पूछना पड़ेगा। जबकि मैंने स्केल बनाया, स्केल लिया और स्केल लेके, और मैंने ये कहा कि 300 मीटर ये 3 सेंटीमीटर, 300 मीटर चले, फिर लेफ्ट में टर्न हुए, लेफ्ट में टर्न हुए, ये 200 मीटर, यानी ये 2 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने मापक क्या ले रखा है, 1 सेंटीमीटर = 100 मीटर का। तो 300 मीटर चले तो मैंने मानचित्र में आपको बता दिया 3 सेंटीमीटर, फिर इधर 2 सेंटीमीटर, फिर आगे चलोगे तो ये लगभग 2 सेंटीमीटर के बाद एक पेड़ आएगा, इस पेड़ के ये राइट साइड में जो मकान है वो मेरा मकान है। तो आप ध्यान दें, इसको देखकर ये कहोगे कि मैं यहां से 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी होगी, 300 मीटर, 2 सेंटीमीटर की कितनी हो गई, वो हो गई वैल्यू 200 मीटर, और 2 सेंटीमीटर की फिर 200, क्योंकि मैंने मापक क्या ले रखा है, 1 सेंटीमीटर = 100 मीटर। तो आप जो ही इस बिंदु से स्टार्ट होगे और इस बिंदु तक जाओगे तो 300 मीटर की, यानी 3 सेंटीमीटर, आपने उन 3 सेंटीमीटर की गणना की, गणना करते ही आप कहोगे सर हमें तो 300 मीटर चलना पड़ेगा, फिर उसके बाद कि साइड में टर्न करना, टर्न करने के बाद फिर 200 मीटर चलेंगे, फिर 200 मीटर एक्चुअल, ये 100% शुद्ध है। और ये खाका जो है वो ध्यान दें अशुद्ध होता है, मतलब हो सकता है 40% शुद्ध हो, 50% शुद्ध हो, लेकिन ध्यान दें आपको पूछना पड़ेगा जब इस खाके के अकॉर्डिंग चलोगे। तो खाका और मानचित्र में ये अंतर है कि मानचित्र जो है वो 100% शुद्ध ज्ञान देता है। अतः ध्यान दें, मापक का जो महत्व होता है तो वो ये होता है कि मानचित्र निर्माण प्रक्रिया मापक के माध्यम से ही की जा सकती है, क्योंकि ध्यान दें पृथ्वी इतनी बड़ी है या उसका धरातल इतना बड़ा है, अपन तो अपने खेत की बात करते हैं, अपना 2 बीघा का खेत है, 2 बीघा जितना बड़ा कागज थोड़ी होगा, ठीक है, और उस 2 बीघा के कागज पे अपन सब सही कर ले तो फिर उसको पढ़ेंगे कैसे। जैसे अपने 2 बीघा के कागज भी ले आए कहीं से मांग तांगे या बाहर से, साइंटिफिक पेरिस लंदन कहीं से भी ले आए, अब उस पे सारा ड्रॉ भी कर दिया कि साहब जितना धरातल की दूरी है उतनी की उतनी मानचित्र की दूरी है, लो साहब, ठीक है, बिल्कुल एक्चुअल है, जितनी वहां है उतनी इस मानचित्र पर है। पढ़ोगे कैसे, गांव में दादाजी ने ये बोल दिया कि साहब हाँ इस मानचित्र को दिखा अपने जमीन कितनी है, तो उसको 2 बीघा को वापस खेत पे ले जाओ, फिर तो वहीं ले जाके चौड़ा करके बताओगे मानचित्र को। क्लियर, तो ध्यान दें मापनी का जो महत्व होता है वो ये होता है कि ध्यान दें अनुपात है, इसी से ही मानचित्र का निर्माण होता है, अदरवाइज इसका मानचित्र निर्माण नहीं कर सकते अपन।
अगर मापनी नहीं है तो वह एक खाके के रूप में होता है और खाका ध्यान दें पूर्णतः 100% शुद्ध जानकारी नहीं देता। दिशा संबंधी ध्यान दें दोष पैदा कर सकता है, जैसे अब इसमें इसमें तो पेड़ सीधे यूं आ रहे हैं, ठीक है, इसमें पेड़ यूं आ गए, तो दिशा संबंधी अशुद्धता, डिस्टेंस संबंधी अशुद्धता पैदा कर सकता, बिना मापनी के अपन कुछ नहीं कर सकते। अब ध्यान दें मानचित्र कला में, अब आगे देखें, क्योंकि क्षेत्रों का वर्णन, क्षेत्र वर्णनी विज्ञान कौन सा है, भूगोल है, और भूगोल को पढ़ने के लिए क्षेत्रों का मानचित्र होना जरूरी है। अब बात आती है कि मापक के टाइप्स क्या होंगे, प्रकार क्या होंगे, यहां से 100% क्वेश्चन आता है और आएगा, अगली बार भी आएगा, अतः इस टॉपिक को आपको थोड़ा सा ज्यादा सावधानी से लेना है। मापक को प्रदर्शित करने की विधियां, करने की विधियां, मापक को प्रदर्शित करने की विधियां, मापक को प्रदर्शित करने की तीन विधियां होती है, कितनी विधियां होती है, तीन। पहली कथनात्मक विधि, स्टेटमेंट मेथड, दूसरा जो है वो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, प्रदर्शक भिन्न, प्रदर्शक भिन्न, और तीसरा है रैखिक मापक, लाइनर ग्राफ, रैखिक मापक, रैखिक मापक या आलेखीय विधि, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ये तीन मेथड से अपन प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, क्लियर। अब जैसे मैंने यहां ये लिखा 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, तो ये कौन सी विधि होगी, कथनात्मक विधि होगी, कौन सी विधि होगी, कथनात्मक। और अगर मैं इसको ये लिखूं 1:100, तो ये क्या हो गई, प्रदर्शक भिन्न विधि, प्रदर्शक भिन्न विधि। और ध्यान दें ये भी कौन सी विधि है, आलेखीय विधि है, सॉरी आलेखीय नहीं, कथनात्मक, कथनात्मक विधि है। और मैं जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर इसको इस तरीके से ग्राफ बना के प्रेजेंट करूं, ठीक है, यो ग्राफ बना के प्रेजेंट करूं, 0, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, ये 100, 200, 300, 400 मीटर, और इधर ये 100 मीटर, तो ये कौन सी हो गई, आलेखीय विधि, ग्राफिकल मेथड। ये तीन विधियां हैं और तीनों विधियों में से एक सवाल 100% आपसे पूछा जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं जो मैं आगे आपके पास प्रेजेंट कर रहा हूं, ये तीन विधियां कथनात्मक, प्रदर्शक और रैखिक आलेखीय। चलिए देखें एक सिंपल वे में, ये एक मानचित्र है, मान लो ये करौली का ही बना देता हूं, करौली की आकृति कैसी है, बतख के समान, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था, ये करौली जिला, करौली जिला। अब करौली जिला है तो इसमें मैंने तीन काम कर दिए, यहां लिख दिया 1:1, तीस लाख, ठीक है, 1:30 लाख, या यहां लिख दिया 1 सेंटीमीटर बराबर 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो ध्यान दो 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 लाख होते हैं, आगे बढ़ने वाले हैं अपन, तो 30 लाख हो गया, तो 30 लाख यानी 30 किलोमीटर। तो ये पहली विधि क्या हो गई, पहली विधि होगी प्रदर्शक भिन्न, प्रदर्शक भिन्न, और दूसरी विधि क्या हो गई, वो होगी कथनात्मक, स्टेटमेंट मेथड, कथनात्मक मापक। अब तीसरी विधि में मैं क्या कर रहा हूं, देखो कि मैंने 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची, ध्यान से ये 10 सेंटीमीटर की, और सीधी लाइन खींचने की कोशिश कर रहा हूं मैं,
ये 10 सेंटीमीटर, और इसके 10 बराबर भाग कर दिए, 10 बराबर भाग कर दिए, ठीक है, ये 10 बराबर भाग, 0, 30, 60, 90 और 120, 150, 180 और 180 के बाद 210, 210 के बाद 240 और ये 270, क्लियर। और इधर ये फिर लिख दिया मैंने 30, तो भाग कितने हो गए, 5 और 5, 10, ठीक है, 30। इधर भी लिख दिया मैंने किलोमीटर और इधर भी लिख दिया किलोमीटर, ठीक है। ये विधि हो गई कौन सी, आलेखीय, आलेखीय विधि, क्लियर। ये तीन मेथड जो होते हैं, अब इसमें आप क्या करोगे, जैसे तीन मेथड दिए हैं, तो यहां मान लो केला देवी का मंदिर है, ये केला देवी, और ये यहां महावीर जी है, महावीर जी और केला देवी, केला देवी और महावीर जी के मध्य की जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस मान लो इस मानचित्र पर 6 सेंटीमीटर की है, सॉरी 6 तो ज्यादा हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर की है, कितने की है, 2.5 की, 3 सेंटीमीटर मान लो, 3 सेंटीमीटर की है। आपने इसको मापा, केला देवी और महावीर जी स्केल लेकर मापा कि सॉरी 3 सेंटीमीटर आ रही है, 3 सेंटीमीटर आ रही है, तो जब आप ये कह रहे हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर 30 किलोमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 90 किलोमीटर। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये आएगा कि सर केला देवी के मंदिर और महावीर जी के बीच में 90 किलोमीटर का अंतर है, डिस्टेंस कितनी, 90, हो सकता है ज्यादा हो या कम हो, मुझे इतना पता नहीं, मैंने तो एक उदाहरण दिया है करौली का, मैं देना चाहता अजमेर का भी दे सकता था, उदयपुर का दे सकता था, कहीं का भी ले सकते हैं, क्योंकि भूगोल क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, और भूगोल पढ़ने वाले विद्यार्थी को और पढ़ाने वाले टीचर को यदि मानचित्र बनाना नहीं आता तो उसे कुछ भी नहीं आता, ठीक है, एक सिंपल वाली बात है, मानचित्र बनाना और प्लस ग्राफिकल मेथड, डायग्राम बनाना, मॉडल बनाना, ठीक है, ये एक सामान्य बात है। जैसे अब ये मैंने मानचित्र बनाया, ठीक है, अब इसमें स्केल लिखा हुआ है, तो ये शुद्ध मानचित्र है, और मैंने यूं ही मानचित्र बना दिया जैसे लाइक दिस यूं, तो ये एक खाका है, क्या एक खाका, ये राजस्थान का खाका हो गया, तो एक खाका हो गया और ये मानचित्र, खाका और मानचित्र में रात दिन का अंतर है, ठीक है, वो ये है कि मानचित्र 100% तक शुद्ध जानकारी देता है। तो ये तीन मेथड है, अब तीनों के बारे में अपन वन बाय वन बताएंगे, मैंने तीनों ही एग्जाम्पल आपको लिख के बता दिए हैं। तो सबसे पहले लेते हैं स्टेटमेंट मेथड, कौन सा, स्टेटमेंट मेथड, कथनात्मक विधि, कथनात्मक विधि, स्टेटमेंट मेथड। अब देखें इसका सीधा एग्जांपल दे रहा हूं, सीधा एग्जांपल, ठीक है, कोई सा भी ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर, या 1 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी, मानचित्र की दूरी बराबर 2 मीटर धरातल की दूरी, धरातल की दूरी, या अपन ले सकते हैं यूं, 1 सेंटीमीटर मानचित्र का धरातल पर 2 मीटर की दूरी को, मीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है, क्लियर। ये तीन बातें मैंने, तीन एग्जांपल दिए हैं, पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल दे दिए। अब ध्यान से सुने, कथनात्मक विधि या स्टेटमेंट मेथड किसे कहा जाता है, इस विधि में कुछ शब्दों या
एक वाक्य, कुछ शब्द या एक वाक्य, ये कुछ शब्द है ठीक है, ये कुछ शब्द है या एक वाक्य, ये एक सेंटेंस है, वाक्य के माध्यम से मापनी का प्रदर्शन किया जाता है, किया जाता है। कुछ शब्द या वाक्य के माध्यम से मापनी का प्रदर्शन किया जाता है, क्लियर। तो ये क्या कहलाएगी, कथनात्मक विधि या कथनात्मक मापनी, स्टेटमेंट स्केल, इसे कथनात्मक मापनी भी कहेंगे, कथनात्मक मापनी भी कहेंगे, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, निम्न में से कौन सा कथनात्मक मापनी का सही उदाहरण है, ए एक सेंटीमीटर धरातल का 5 सेंटीमीटर धरातल के, या बीच में बराबर लगा हुआ है, 1 सेंटीमीटर धरातल का 5 सेंटीमीटर धरातल के, बी 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर, सी 1:500, डी 0, 1, 2, 3, 4 ये मीटर और ये 5, 10 ये डेसीमीटर। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, इसमें राइट आंसर होगा बी, कौन सा होगा, बी राइट आंसर होगा, क्लियर। अब देखिए इसमें 1 सेंटीमीटर धरातल का 5 सेंटीमीटर धरातल के, दोनों तरफ धरातल धरातल आ गया, जबकि इधर अगर मानचित्र होता ठीक है, इधर मानचित्र इधर धरातल होता तो ये राइट आंसर हो जाता, ये भी राइट आंसर हो जाता, ये तो रहता ही, ये भी राइट आंसर हो जाता। ये आरएफ का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, आरएफ का, यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी प्रदर्शक भिन्न का उदाहरण है, और ये जो उदाहरण है ये आलेखीय विधि का है, किसका है, आलेखीय विधि का, आलेखीय विधि का उदाहरण है। तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ शब्दों या ध्यान ने एक वाक्य के माध्यम से मापनी का प्रदर्शन किया जाता है, बोलचाल की भाषा में प्रेजेंट किया जाता है। अब आप खुद सोच सकते हो कि प्रदर्शक भिन्न 1:30,00,000, अब ये दी हुई है तो इसे कोई सामान्य आदमी समझ पाएगा क्या, नहीं समझ पाएगा। जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे या जो ध्यान में सेना में होंगे या जो ध्यान में मानचित्र कला से संबंधित होंगे या मौसम विभाग के कोई प्रोफेसर वगैरह होगा, मौसम विभाग का कोई साइंटिस्ट होगा, तो वो तो समझ जाएगा, लेकिन एक किसान समझ जाएगा क्या, नहीं समझेगा आरएफ को, ठीक है, नहीं समझ पाएगा। किसान जब पटवारी से बात करेगा अपने खेत के बारे में, तो पटवारी ये कहेगा कि अपने खसरा में 1 इंच जो जरीब का है, सॉरी 1 इंच जो है वो जरीब 1 जरीब के बराबर है, 1 इंजीनियरिंग जरीब के बराबर है, ये कहेगा वो, ठीक है, 1 इंजीनियरिंग जरीब के बराबर है 1 इंच, अपने मात खसरा में 1 इंच की जो दूरी है वो बाऊजी या काकाजी जो भी किसान पूछेगा उसको ये कहेगा कि 1 इंच जो खसरा में डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो है वो लगभग 1 जरीब आधी जरीब आधी से जो भी है 10 फीट 5 फीट के बराबर है। आ रहा समझ में, तो ये बोलचाल की भाषा में कथनात्मक, कथन के द्वारा। अतः ध्यान ने ये मापनी साधारण लोगों के लिए सर्वोत्तम है, ठीक है, जबकि आलेखीय मापनी और प्रदर्शक भिन्न साधारण लोगों की बस की बात नहीं है, एक सामान्य आदमी नहीं समझ पाता, कथनात्मक मापनी को एक सामान्य आदमी समझ जाता है, क्लियर। ये इसका सबसे प्रमुख गुण है, सबसे बढ़िया गुण है कि कथनात्मक मापनी का गुण क्या है, इसे ध्यान में एक सर्वविदित यानी सभी लोग इसको समझ सकते हैं, बस शर्त है कि ध्यान में उस माप पद्धति की उसको जानकारी हो, ठीक है। तो ध्यान में
इसका सर्वोत्तम गुण जो है कथनात्मक मापनी का वो क्या है? कथनात्मक मापनी का सर्वोत्तम जो गुण है साधारण व्यक्ति को यह मापनी सहज रूप से समझ में आ जाती है। क्लियर? जैसे अपना मकान का नक्शा, मकान का नक्शा है उस पे ये मापनी लिख दी जाती है। खसरा है उस खसरे पे ये मापनी लिख दी जाती है। ठीक है, खेत का नक्शा, खलियान का नक्शा, उस पर ये मापनी लिख दी जाती है। तो एक साधारण व्यक्ति भी इसको समझ सकता है। ये इसका सर्वोत्तम गुण है, सबसे प्रमुख गुण है कथनात्मक मापनी का। क्लियर? साधारण व्यक्ति इसको आराम से पढ़ लिख सकता, समझ सकता है। क्लियर? दूसरी बात, इसका दोष जो है वो प्रमुख दोष ये है कि इसमें ध्यान में जो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष जो इसको समझ रहा है, व्यक्ति विशेष उसको जिस पद्धति या माप पद्धति में, जिस माप पद्धति में मापनी लिखी हो उसकी जानकारी होनी आवश्यक है, होनी आवश्यक है। अब जैसे मैं यहां लिख दूं एक चांग बराबर 25 चांग, अब आपको चांग की पूरी नॉलेज, चांग चीन में है, माप पद्धति है, तो चांग की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे इंडियन किसान है, राजस्थानी है, उसको चीन की चांग पद्धति कैसे पता चलेगी? अच्छा, ध्यान दें, ये इसका दोष है। दूसरा ध्यान दें, मानचित्रों के लघुकरण यानी छोटे करने पर वह विवर्धन प्रक्रियाओं में मापनी बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, हो जाती है। क्लियर? तो ये इसका क्या हो गया, एक दूसरा दोष हो गया, ये दो दोष हो गए। क्लियर? तो वापस देख लें, कथनात्मक मापनी, इस विधि में ध्यान दें मापक को एक सेंटेंस के माध्यम से प्रेजेंट किया जाता है, और ये जो मापक को प्रदर्शित करने की विधि है या कथनात्मक मापनी जो है वो ध्यान दें सर्वसाधारण के लिए है, सामान्य व्यक्ति बोलचाल की भाषा में। बस शर्त है कि उसको उस माप पद्धति की नॉलेज होनी चाहिए, ये सर्वविदित है। ठीक है, दूसरी बात कि जब मानचित्रों का अब फोटोग्राफी मेथड से विवर्धन और लघुकरण किया जाता है तो ध्यान दें मापनियां चेंज हो जाती है, और ये उस समय ध्यान दें फोटोकॉपी करवा रहे हैं फोटोकॉपी की मशीन पर, और उसको बोलेंगे भाई आप बड़ा इनलार्ज कर दे, तो वहां ध्यान दें वो लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर। अब मानचित्र तो बढ़ गया लेकिन वो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर यों का यूं लिखा होगा, वो खुद बढ़ जाएगा। क्लियर? उसी अनुपात में वो मापनी चेंज नहीं होगी वहां कि भाई बड़ा है तो फिर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर ही होना चाहिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर पहले थी, अब वो बढ़ गया तो बाद में क्या होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, क्योंकि बढ़ गया। ठीक है, बढ़ता ना तब हंस और हर में हर का जो मान होता है वो घट जाता है जब मानचित्र बढ़ता है तब। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इस चीज को भी। क्लियर? तो यहाँ कथन वापस में एक बार पूरा टॉपिक ये जो इस क्लास का है वो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। मापक किसे कहते हैं? प्रदर्शित दूरी वह ध्यान ने धरातलीय दूरी के मध्य के अनुपात को मापक कहा जाता है। मानचित्र के किन्हीं दो बिंदु व धरातल के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य के अनुपात को मापक कहा जाता है।
मापक का महत्व क्या है? बिना मापक के मानचित्र नहीं बन सकता, अगर बनाएंगे तो वो खाका कहलाएगा और खाका 100% शुद्ध जानकारी नहीं देता, यानी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में 100% नहीं उतरता, कौन खाका, और मानचित्र उतर जाता है। क्लियर। अब मापक को प्रदर्शित करने की कितनी विधियां हैं? तीन विधियां हैं। पहली विधि स्टेटमेंट मेथड, दूसरी ध्यान दें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसे आरएफ कहते हैं, प्रदर्शक भिन्न कहते हैं, और तीसरा ग्राफिकल या लाइनर मेथड, ठीक है, जिसे आलेखीय या रेखीय विधि भी कहा जाता है। इसमें से ध्यान दें अपन ने इस वाली क्लास में आज पढ़ी है, वो पढ़ी है कथनात्मक विधि, स्टेटमेंट मेथड। कथनात्मक विधि एक साधारण व्यक्ति के समझ में आ जाती है, ठीक है, बस ये है कि जब इनलार्जमेंट एंड रिड्यूस किया जाता है मानचित्र को, तो ये विधि वहां जो लिखा हुआ है वो वैसा का वैसा खुद बढ़ जाएगा, लेकिन ध्यान में चेंज नहीं होगा, अतः ये इसका एक दोष है। क्या है दोष? तो आगे अगली क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। कथनात्मक विधि को आरएफ में चेंज करना, आरएफ को कथनात्मक विधि में चेंज करना, इसका एक सवाल 100% आपके आएगा, ठीक है। तो आप पहले इस वीडियो में इस चीज को देख लेना और नोट्स बना लेना, फिर कंटेस्ट करना है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकली सीखना पड़ता है, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इस क्लास में आपको सिखाने की। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और एक मुस्कुराहट के साथ ज्योग्राफी पढ़ते रहें।